नमस्कार, मंजुला आर्ट क्लासेस में हम आपका स्वागत करते हैं। हमारी कोशिश कुछ खास कुछ नया, सिर्फ आपके लिए हर बार कुछ नया। आज हम आपको सिखाएंगे डांडिया बनाना। अभी सामने नवरात्र आने वाली है, तो उसके लिए घर पर ही डांडिया कैसे बनाएं उसकी विधि हम आपको बताएंगे। घर पर ही माँ अम्बे की भक्ति और पूजा पाठ करनी है तो उसके लिए घर पर ही डांडिया बनाना सिखाएंगे। हम स्टेप बाय स्टेप इसको बताएंगे। उसकी सामग्री है यह लकड़ी जो आपको बढ़ई के पास मिल जाएगा, साटन रिबन जो आप अपने मनपसंद कलर में ले सकते हैं, साटन रिबन, फेविकोल, टूल्स, घुंघरू, लेस, बस इतने ही सामान से इसको बनाना शुरू करेंगे। घुंघरू इस प्रकार टूल्स वाली लेना है ताकि डांडिया बनने के बाद इसे यहाँ नीचे लगाएंगे। तो आइए इसको बनाना स्टार्ट करते हैं। चलिए आप लोग यह दो एक साइज का लेंगे एक पेयर डांडिया बनाने के लिए, और यह साटन रिबन इस प्रकार नीचे से पकड़ेंगे और इस प्रकार फेविकोल लगाते हुए इसको लपेटना है। देखिए फेविकोल लगाते जाएंगे और इसे साटन रिबन को ऐसे फेविकोल लगाएं और फिर इस प्रकार इसको लपेटते जाएंगे। सबसे पहले देखिए एक बार लपेटने के बाद फिर फेविकोल लगाना है, फिर एक बार लपेटेंगे और फिर फेविकोल सबसे पहले फेविकोल इस प्रकार एक ही साइड में लगाना है और इसको साटन रिबन को तिरछे आकार में लपेटते जाएंगे। इस प्रकार फेविकोल एक ही तरफ लगाना है। ऐसे तिरछे आकार में लपेटते जाएंगे। इसको थोड़ा सूखने में टाइम लगता है। इसको जैसे ये सुखा लिए हैं सूख गया है। देखिए अब इसके ऊपर यह ब्लू वाला रिबन इसको भी तिरछे आकार में ऐसे लपेटेंगे। देखिए फेविकोल लगाते जाएंगे और तिरछे आकार में सूखने में थोड़ा टाइम लेता है और ऐसे लपेटते जाएंगे। इसमें एक सुनहरी वाली साटन लगाएंगे। बस इस प्रकार इसमें यह 10-20 मिनट में सूख जाता है। इसी प्रकार इसमें और इसमें सुनहरी उसमें ब्लू लगाएंगे। बीच में इसको अभी लगाएंगे और सूखने के बाद बीच में इसको लगाएंगे। सूखने के बाद थोड़ा सूख जाए फिर लगाएंगे। इस प्रकार पूरा देखिए डांडिया हमारा ये बीच का बन गया है। ये
ये लेस बीच में सीधा लगाएंगे, जैसे पहले ऐसे तिरछे आकार में चिपका रहे थे, अब ऐसे इसको सीधा सीधा बीच में लेस को ऐसे फेविकोल से चिपकाएंगे। ये देखिए इस प्रकार फेविकोल एक ही तरफ लगाना है। सीधा इसको जैसे पहले थोड़ा टेढ़ा कर रहे थे, अब बिल्कुल सीधा ताकि यह बीचों बीच आए। देखिए ये वाला लेस इसमें लगाएंगे, ये भी ऐसे ही जैसे इधर फेविकोल है तो बीचों बीच देखिए जैसे ये लगा है ऐसे ही लगाना है। इसका भी लेस बीचों बीच ही लगाएंगे। देखिए ये पूरा बनने के बाद आखिर में ये घुंघरू लगाएंगे, टूल्स वाली है, इसको बीचों बीच रख के थोड़ा सा दबाव डालेंगे और बस ऐसे घुमाते जाना है, तो थोड़े ही देर में इसमें लग जाएगा। यदि आप चाहें तो बिना घुंघरू वाला भी बना सकते हैं। ये देखिए इस प्रकार घर पे ही डांडिया बना सकते हैं। ये देखिए हमारा डांडिया बनकर तैयार है। इसे आपको स्टेप बाय स्टेप बनाना है। आप चाहे तो इसे नवरात्रि में जब हम माता की पूजा आराधना करते हैं तो इसे 9 जोड़ी बनाकर जब कन्या भोजन करवाते हैं तो कन्याओं को उपहार स्वरूप बांट भी सकते हैं। हमारा वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप वीडियो में कुछ और बनवाना चाहते हैं तो हमें कमेंट जरूर करें, वीडियो को शेयर करें और चैनल को यदि आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।